हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एम टी कैरियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार, आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि आप देख सकते हैं डी एफ सी सी एल 2018 क्रेश कोर्स, जिसका कि फर्स्ट वीडियो है आपका स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर और एमटीएस वालों के लिए। इसमें मैं अर्थमेटिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला जो आपका वीडियो था पेपर एनालिसिस, उसमें मैंने बोला था कि अर्थमेटिक आपके 20% वेटेज हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक से हमने शुरुआत किया है। सो आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आजकल हमारे चैनल पे 5 से 6 वीडियो आते रहते हैं, आपका कौन सा है नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और जो मैं आज डिस्कस करूंगा उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आज के अर्थमेटिक वाले सेक्शन में देख सकते हैं डी एफ सी सी आई एल स्टेशन मास्टर कंट्रोलर। इसमें मैं डिस्कस टॉपिक जो है आपका नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन। तो फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन पे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। सो आप लोग ऐसे चैनल पे बने रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, उससे पहले देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन इस ढंग से फ्रेम किया है। जिन लोग एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दिए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आए हैं और बहुत लोगों के निगेटिव हुए हैं, चूँकि मिस्टेक्स हो गए हैं, तो इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। और हर सेशन में, हर शिफ्ट में आपके इससे 2-3 क्वेश्चंस थे, तो सबसे पहले इसलिए मैंने यही डिस्कस किया हूँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इसी लेवल पे होने वाला है, क्योंकि ये रेलवे का ही पार्ट है आपका डी एफ सी सी आई एल और सेम एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली हैं। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एकदम सिमिलर क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये रहे सारे क्वेश्चंस। कुछ आरआरबी में पूछे हुए वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। तो टोटल अभी 11 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ में थ्योरी। सो देखते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपके डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो अंश, सॉरी हाँ, डिनोमिनेटर को हर। सो न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, सॉरी लेस देन डिनोमिनेटर होगा, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन कि न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। इसके बाद कंपाउंड फ्रैक्शन, इस पे यहाँ पे आपका एग्जांपल भी है, जैसे देख सकते हैं 1/2, यहाँ पे क्या है आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा है। यहाँ पे देखते हैं 15/17, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। 20/25, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो आपका न्यूमरेटर जो कि अंश है वो आपका ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पे हर आपका छोटा है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका छोटा है। कंपाउंड फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं 1/7/9, 11/9/7/13, तो ऐसे होते हैं। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन की वैसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। इन्वर्स फ्रैक्शन की बात करें तो ये देख सकते हैं 3/8 का इन्वर्स क्या होगा, 8/3। सिंपली इन्वर्स को कैसे देखते हैं, 3/8^1, दैट इज इन्वर्स, सिंपली उल्टा हो जाता है 8/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते तो ये देख सकते हैं इसको क्या करते हैं, 5/3+2, दैट इज 17/5, ये हो जाएगा, तो ये है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन की बात करते तो ये देख सकते हैं इस टाइप के। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे 0.23 क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं वन पे उतने जीरो लगा लेते हैं डिनोमिनेटर में। सो 0.23 है तो पहले 23 हमने लिख दिया अपॉन में वन, डेसिमल के बाद आपके दो डिजिट हैं तो यहाँ पे दो जीरो हमने लगा लिया, तो आप इससे देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन 2/3 तो क्या होता है 0.666, यहाँ पे क्या है आपके डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 का बार, इसी को रेकरिंग बोलते हैं। सो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये देख सकते हैं 0.5 उस पे बार है रेकरिंग, 0.489 बार है। तो इसमें क्या है कि कन्वर्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल, कन्वर्ट प्योर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ये आपके क्वेश्चन हैं। तो 0.3 बार है तो ये पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो पहले क्या लिख लिया 3/, अब क्या है यहाँ पे पहले क्या रहता था, जैसे अगर 0.3 होता सिंपली तो हम क्या करते 0.3/10 कर लेते, 3 जाता तो 3/10 होता, लेकिन यहाँ पे रेकरिंग है सो 10 में 1 माइनस हो जाएगा, सो 3/9, 3/9 सो 3 से ये जाएगा, सो ये 1/3 आपका हो गया। 0.57 रेकरिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 9 ही लेना है जितने डिजिट्स होंगे उस पे आपका डेसिमल के बाद, और उस पे अगर बार हुआ, जैसे ये बार है दो डिजिट हैं तो सिंपली 57/9, 2/9 हमने ले लिया, सो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 19/33, 3 से गया 3, 19 जा, यानी कि
57 और 33 × 3 99, सो 19/33। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो 0.36 पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 पे रेकरिंग है। तो इसमें क्या करते हैं कि सिंपली जो आपका डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है एज इट इज लिख लेते हैं, पहले इसको भूल जाते हैं, बार को सिंपली 0.36 है तो 36 हमने लिख लिया, और जिस पे आपका रेकरिंग नहीं है यानी कि बार नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं। सो 36 माइनस 3 अपॉन क्या होता है, एक डिजिट पे आपका बार है तो 9 और जो खाली है 0, यानी दो डिजिट था डेसिमल के बाद तो 0। सो 36 माइनस 3 अपॉन 90, तो क्या होगा 36 माइनस 3 33 अपॉन 90, 3 से गया 11, 3 से गया 30, हुआ आपका 11 अपॉन 30। वैसे ही इसको देख लेते हैं एक और एग्जांपल, 0.4267 पे बार, तो आपको पहले बताया पहले क्या करना है, पूरा डिजिट लिख लेना है। सो 4267, रेकरिंग के बाहर कौन सा है आपका, ये 42, सो यहाँ पे 0 माइनस 42, और क्या था, दो पे आपका बार है तो सिंपली 2 9 और जो बचे हुए हैं वो 2 0 रख दिया हमने। सो 42 ये क्या हो गया, 4267 माइनस 42, 4225 अपॉन 9900, इसको कैंसिल कीजिएगा, 169 अपॉन 396 हो जाए। सो इससे क्या है कि आपको मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे तीन चार एग्जांपल मैंने करवाया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का ये रेकरिंग वाला चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा बोर्ड मास। सो बोर्ड मास में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपके मीडियम, ये आपका स्मॉल, ये आपका बार जो कि ये वेनिकुलर बार बोलते हैं, ये देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट है, मिडल ब्रैकेट। सो यहाँ पे आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके फर्स्ट में जो बार है देख सकते हैं ऑर्डर क्या रहेगा। सो फर्स्ट में पहला प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी है कि पहले किसको हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट में जो बार है आपका ब्रैकेट इज सॉल्व्ड। रिमेंबर ये जैसे माइनस फाइव माइनस टेन है तो माइनस 15, तो लेकिन माइनस और फाइव माइनस टेन पे अगर ये बार है तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस, ये फाइव माइनस टेन को पहले सॉल्व करेंगे दैट इज माइनस फाइव, और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा सो माइनस ऑफ माइनस फाइव दैट इज प्लस फाइव। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके अभी जो एलपी वाले जो एग्जाम हुए थे काफ़ी इस पे क्वेश्चंस आए हैं, सो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखें। सेकेंड प्रायोरिटी आपका ब्रैकेट का होगा, थर्ड प्रायोरिटी आपका ऑफ का होगा, फोर्थ आपका डिवीजन का होगा, फिफ्थ आपका मल्टीप्लिकेशन, सिक्स्थ आपका एडिशन और सेवन्थ आपका सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मॉडुलस है, मॉडुलस मीन्स ये होता है आपका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें लेते हैं, जैसे आपका मॉडुलस ऑफ एक्स है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है ये दो वैल्यू, इसका मतलब होता है प्लस माइनस एक्स, लेकिन अब प्लस एक्स कब लिखेंगे माइनस एक्स कब लिखेंगे, तो प्लस एक्स तब लिखेंगे जब एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो हो, और माइनस एक्स तब लिखेंगे जब आपका एक्स लेस देन जीरो हो। इस पे बेस्ड आप देख सकते हैं DFCCIL का जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अर्थमेटिक का तो उसमें क्वेश्चंस हैं, सो इसको आप लोग ध्यान रखें। ये होता है, इसको मीनिंग होता है एब्सोल्यूट वैल्यू भी होता है, मॉड भी होता है, मॉडुलस भी होता है, एवरेज वैल्यू भी होता है। सो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है प्लस माइनस एक्स, कंडीशन के हिसाब से कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है वो ये होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 3 इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ माइनस 3 इक्वल टू प्लस 3। सिंप्लीफाई जैसे ये एग्जाम्पल है कि 4 माइनस 6 ये देख सकते हैं ऑर्डर है, तो सबसे पहले क्या किया 4 माइनस 6 ये है तो 8 माइनस 6 को पहले सॉल्व कर दिया क्योंकि उसके ऊपर क्या था आपका बार, तो वो क्या आ गया 2, सो 10 माइनस 2 हो गया। अब क्या होगा सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे, 10 माइनस 2 हो गया आपका 8, 12 माइनस 8, अब क्या करेंगे स्मॉल ए जो करली ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे, सो ये क्या होगा 12 माइनस 8 होता है आपका 4, सो 6 माइनस 4 ये अब क्या करेंगे फिर से इस ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे, सो 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। जैसे एक और क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जो लोग एलपी का एग्जाम दिए होंगे काफी क्वेश्चन इस पे आए हैं, हर सेशन में तीन चार क्वेश्चन आए हैं, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले यही टॉपिक सेलेक्ट किया हूं। और मैंने जो रिव्यू लिया दूसरे दूसरे स्टूडेंट से तो उन्होंने यही बताया कि उनका ये गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग उनके काफ़ी हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे अच्छे स्टूडेंट का, सो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई, ये देख सकते हैं ये आपके ऑर्डर हैं, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे जैसे हैं एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है, लिखने के बाद क्या किया कि सबसे पहले आपको ये आपका क्या है ऑफ वाला इसको हमने सॉल्व किया, 0.8
10.8 इंटू 1/18, तो इससे 0.6 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 9.6 है डिवीजन, 3.6 अपॉन 7.2, ये 0.6 है माइनस 1/10। सो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इससे आपका ये देख सकते हैं कि 4.8, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6, ये 2 टाइम्स ये हो गया, 2 से ये गया आपका 4.8 हो गया, तो 4.8 यहाँ से आया है आपका, 0.6 ये है, और 1/10 0.1 होता है, तो ये 4.8 प्लस 0.6 5.4 होता है, माइनस 0.1 दैट इज 5.3 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, 4 1/6, 5 1/6, 8 1/6। सिंपली क्या कीजिए आप कि 4 5 1/6 आपके सब में है, तो क्या कर सकते हैं आप, ब्रैकेट में जो इसका उसको आप क्या कर सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं। सो 4 प्लस 5 प्लस 8, और प्लस में फिर ये सब जो 1/6 है उसको हम ऐड कर लेते हैं, 3 टाइम्स 1/6 है तो 1/6। सो सिंपली 5 प्लस 4 10, प्लस 5 प्लस 4 9 प्लस 8 17, और 1/6 3 टाइम्स है तो 3/6। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये क्या होगा, 6 LCM हो जाएगा, तो ये होगा आपका 17 6 जा 102 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 105/6, 3 से कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और ये 3 से 2 टाइम्स, तो 35/2, 35/2 को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 17 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। 7/2 पहले डिवीजन का किया हमने, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। सो 2/5 इंटू 3/2, सो सिंपली 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। सो आपका यहाँ से देख सकते हैं 7/2, पहले ऑफ वाले को सॉल्व कर लिया, 7/2 इंटू ऑफ वाले को इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है 5/2 इंटू 3/2, सो क्या हो जाएगा, 15/4। सो ये अगर यहाँ पे डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 15/4 चेंज होके 4/15 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये बचा 14/15, ये डिवीजन में आपका 15/4 है। सो देख सकते हैं 7 इंटू 3 यहाँ पे 21, 2 इंटू 5 10 अपॉन 14/15 डिवाइडेड बाई 15/4, सो क्या हुआ, 21/10 इंटू ये आपका चेंज होके कहाँ गया, 15 इंटू 14, और ये आपका चेंज होके 14/15, सारे ये कैंसिल हुआ, बचा आपका 21/10, अगर फ्रैक्शन में इसको रखेंगे तो 2 1/10 होगा। तो ये थे हमारे आज का इससे रिलेटेड थ्योरी एंड कुछ एग्जांपल्स। सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3/10, ये आपके RRB के ही है कोई एग्जाम का। सो 3/10, तो 3/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.3, 5/100 को 0.05, 8/1000 को 0.008। सिंपली क्या हो जाएगा, सबको जब हम ऐड करेंगे तो 0.3 यहाँ से, 5 यहाँ से, 8, सो 0.358, सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1088.88, नेक्स्ट 1800.08, नेक्स्ट आपका 1880.80, 88 यहाँ से आपका आ जाएगा 6 1, सो सिंपली 7 पॉइंट, ये आपका 9, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सिंपली आप ऐड कर देंगे। सो 4769.76 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, 0.27, तो सिंपली क्या करते हैं इसको, 0.27 का 27 माइनस 2 अपॉन 90, सिंपली 25/90, 5 5 जा 5 18 जा, 5/18, सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये देख सकते हैं 8 0.8268, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सभी करवाए हुए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8268 माइनस 82 अपॉन क्या लिखेंगे, 9900। सो ये आपका हो जाएगा 8196/9900, इसको आप 2 से कैंसिल कीजिएगा, ये होगा 4093, इसको भी 2 से कीजिएगा 4950, सो 4093 आंसर आएगा, 4093/4950 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये भी एग्जाम में आए वाले क्वेश्चंस हैं, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे,
इसका मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ आपको, और फिर मेथड से भी करेंगे इसको। 2857 ये हैं आपके, अपॉन, बिकॉज ये डिवीजन है तो 0.285714, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बार है, लेकिन क्या है कि दोनों पे बार है, तो डायरेक्टली आप ये देखें कि डायरेक्टली आप 2 से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, सो 1/2 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मेथड से करना है तो मेथड से करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसको 1, 4, 2, 8, 5, 7 अपॉन क्या करेंगे, यहाँ पे जितने पे बार हैं 9 लगा लेंगे, कितने डिजिट हैं आपके, 6 डिजिट, तो 6 बार 9 अपॉन अगेन ये आपका 2, 8, 5, 7, 1, 4, फिर से 6 टाइम्स 9, ये आपका कैंसिल हो गया, बचा के आप फिर से इसको 2 बार कैंसिल कर लीजिए, आएगा आपका 1/2। सो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि आपको ये सॉल्व कर लेते हैं, ऑफ वाला है तो इसका 1 1/4 है, तो सिंपली 5/4, और ये इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 5/8। सो यहाँ पे भी अगर सॉल्व करते हैं इसको तो सिंपली 1/45, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0.04/0.03 ऑफ है तो इंटू यहाँ पे आपका 3 × 3 + 1 10/3, 10/3 -5/2, और इसका क्या आया है आपका डिवीजन में है 5/8, यहाँ से क्या होगा सिंपली 1/3 + 1/45। तो सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखेंगे 4/3, इससे क्या होगा आपका 6 LCM हो जाएगा, और ये हो गया 20/15, यहाँ से इनटू बिकॉज डिवीजन है तो ये आपका आएगा 8/5, अपॉन में यहाँ से 45 LCM आएगा, तो सिंपली 15 + 1 तो क्या हो जाएगा 4/3 × 5/6 × 8/5, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 45/16। सो सिंपली देख सकते हैं आप 5, 3 से ये 3 टाइम्स जाएगा, 8 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 3 से 2 टाइम्स आएगा, 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 5, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ये आप काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 + 1/4 यहाँ ब्रैकेट में है आपका, सो यहाँ 4 - 5/10 अपॉन ये आपका 3 × 3 + 2 5/3 × 3/4 - 3/4 × 4/5 4 4 कैंसिल, यहाँ 3 3 कैंसिल, सो सिंपली 1/3 + 1/4 × -1/10, सो अपॉन हेयर 5/4 - 3/5, सो सिंपली ये माइनस हो जाएगा आपका ओवरऑल, सो 1/3 इसको पहले कर लेते हैं क्योंकि ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है, सो 1/3 - 1/40 अपॉन सिंपली हेयर 25 - 12/20। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 120 हो गया आपका, ये 40 - 3 इंटू ये ऊपर जाएगा 20/25 - 12 = 13, 26 40 - 3 37, 13 × 6 78, 37/78 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/1 / 1/1 अब यहाँ पे देख सकते हैं 1/1, इसको पहले सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 1 × 3, सिंपली ये क्या हो गया 1/3, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1, ये क्या हो जाएगा 3, सिंपली क्या हो जाएगा 1 × 3। सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे सिंपली कुछ मत कीजिए,
आप एलसीएम ले लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहाँ से क्या है, ए माइनस बी है, ए माइनस सी है, यहाँ क्या है, सी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले तो ये भी सी माइनस ए हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस ए पहले ही लिख लेते हैं। अब ए माइनस बी और सी माइनस ए वाला कहानी खत्म हो गया, तो ये आपके बी माइनस सी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं बी माइनस सी और बी माइनस ए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो सिंपली पहले बी लिख लेते हैं। अब बचा क्या, बी माइनस सी वाला कहानी खत्म है, ए माइनस बी वाला कहानी खत्म है, तो बचा क्या आपका, सी माइनस ए। सेम चीज़ यहाँ, सिमिलर माइनस सी, यहाँ क्या बचेगा आपका, ए माइनस बी। पैटर्न आप देखिए, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, जो भी हैं आप लिख दीजिए, सी माइनस ए, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गए जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो अपॉन ये वाला टर्म, दैट इज क्या हो गया, जीरो, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या तो पहले ही आप इसको एक्स एज्यूम कर लें, तो कर ही लीजिए, बाद में भी करना ही पड़ेगा। 128 डिवीजन 16 इंटू एक्स माइनस 14 अपॉन 7 स्क्वायर इज 49, माइनस 8 इंटू 6 इज 48, प्लस इस सिंबल को हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमने एज्यूम किया लेट। सो सिंपली ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपका 16 8 जा 128, 8x माइनस 14 कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 49 माइनस 48 दैट इज 1, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, या तो मिड टर्म स्प्लिट कर लीजिए या आप श्रीधराचार्य मेथड लगा लीजिए, तो यहाँ पे इजी आपको मिड टर्म वाला भी होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0, क्या करते हैं उसमें कि इसका कॉफिशियंट और ये मल्टीप्लाई करते हैं 15, उसका क्या करते हैं आप कि फैक्टर लेते हैं, तो 3 इंटू 5, और देखते हैं इस फैक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कि माइनस 8 कैसे आएगा। सो माइनस 3 माइनस 5 अगर करेंगे तो माइनस 8 आएगा। सो सिंपली यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 3 और 5। सो यहाँ पे ऑप्शन से सिर्फ 3 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। सो ये है हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपली इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 ऑफ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लेते हैं 4/7 इंटू 5/9 इंटू 21/24 इंटू 504। सो यहाँ से सिंपली कैंसिल करते हैं, 5 से क्या हो गया आपका, 5 कैंसिल हो गया, उसके बाद 7 से क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया, और 3 इंटू 3 ये 9 कैंसिल हो गया, 4 से 6 टाइम गया 24, और 6 से 84 टाइम्स जाएगा आपका 504। ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो सिंपली आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। सो आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहें, अच्छे से रिस्पॉन्स करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा उतने अच्छे अच्छे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लाते जाऊंगा। सो ऐसे ही चैनल से बने रहें। सो आज का सेशन ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, अगर आप यूटिलाइज करते हैं सिलेक्शन आपका ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी एम टी, स्टे ट्यून्ड सी एम टी।